हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फोर्थ में चैप्टर 3 था हमारा यूज़फुल एनिमल्स। सो हम लोगों ने आगे के लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन था और हमें जो एनिमल्स है वो किस तरह से यूज़ होते हैं, उसकी डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें से जो हमें वूल, सिल्क, ये सारी प्रोडक्ट्स जो मिलती है और उसे हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम लोगों ने देखा। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें दूसरी प्रोडक्ट्स कौन सी मिलती है, सो अदर प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट पॉइंट है द स्किन ऑफ एनिमल्स सच एज बफेलोज, काउस, कैमल्स एंड शीप इज यूज टू प्रोड्यूस लेदर। यानी कि जो ये एनिमल्स है, काउ है, कैमल है, शीप, उनकी जो स्किन होती है उसमें से हम लोग लेदर जो है हमें मिलता है। इन सम कंट्रीज लेदर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल्स। यानी कि इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ जो होती है उनमें से जो हमें वहाँ के जो लेदर बनते हैं वो स्नैक और क्रोकोडाइल की स्किन में से बनते हैं। लेदर इज़ यूज टू मेक शूज, बैग्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, जैकेट्स एंड सूटकेस। यानी कि लेदर का यूज़ हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट जो है, शूज़ है, बैग है, बेल्ट है, वॉलेट है, जैकेट और सूटकेस, ये सब लोग सब कुछ बनाने में हमें यूज़ करते हैं। यहाँ पर यहाँ के लेदर के प्रोडक्ट है इस तरह के, जो बैग है, ठीक है, शूट है, जैकेट है, इस तरह के हम लोग उसमें से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल्स सच एज द रैबिट्स, फॉक्सिस एंड स्क्विरल्स इज यूज इन वेरी कोल्ड कंट्रीज टू मेक कोट्स, कैप्स एंड शॉल्स। यानी कि जो एनिमल्स है जैसे कि रैबिट्स है, फॉक्स है, स्क्विरल्स है, इनके जो हेयर होते हैं वो बहुत सारी जैसे कि बहुत ठंडा जो बहुत कोल्ड कंट्रीज़ होती है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, इसी कंट्रीज़ में कोट और कैप्स बनाने के लिए ऐसे एनिमल्स के हेयर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। स्क्विरल्स हेयर वॉज अर्लियर यूज्ड टू मेक द ब्रिस्टल्स ऑफ हेयर ब्रशेज एंड पेंट ब्रशेज, नाउ दिस इज नॉट परमिटेड बाय लॉ। यानी कि जो स्क्विरल्स के हेयर है वो हेयर ब्रशेस है, पेंट ब्रश है, इससे इस तरह के जो ब्रशेस है वो बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, जो हम लोग पेंट ब्रश अभी अभी अलाउड नहीं है, ठीक है, स्क्विरल्स के हेयर जो है उसमें से ब्रश, पेंट ब्रश या फिर हेयर ब्रश बनाते थे, ये अभी परमिटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉर्न्स ऑफ सम एनिमल्स आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, कॉम्ब्स, नाइव्स एंड मेनी डेकोरेटिव आइटम्स। यानी कि जो एनिमल्स के जो हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, उसमें से बहुत सारी ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, कॉम्ब बनाते हैं और नाइव्स और बहुत सारी जो डेकोरेटिव हमें जो आइटम्स देखने को मिलती है वो भी उनमें से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लावरियस हाईली वैल्यूड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एलिफेंट टस्क्स टू पुट एन एंड टू द लार्ज स्केल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स फॉर देयर टस्क। गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बैंड इवोरी ट्रेड। यानी कि जो एलिफेंट्स एलिफेंट के जो टस्क होती है उसमें से जो हमें वैल्यू प्रोडक्ट जो है हमें ऑब्टेन होती है, ठीक है, बहुत सारे जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं उनके उनको निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके लिए बहुत सारे एनिमल्स जो एलिफेंट है उनको किल किया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। सो गवर्नमेंट के थ्रू ये जो इस तरह की जो प्रोडक्ट है उन्हें बैन किया, इस तरह के प्रोडक्ट अगर बैन कर दी जाएगी तो क्या है एलिफेंट्स जो है उनको हम लोग बचा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल डंग इज यूज टू मेक अ मैन्योर, फार्मर्स यूज दिस मैन्योर टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सोइल एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यानी कि जो एनिमल्स की जो डंग होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उनका यूज़ हम लोग मैन्योर बनाने के लिए, यानी कि जो खेती होती है उसमें फार्मर जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो खाद डालते हैं वो खेती में, वो भी हमें एनिमल्स के जो वेस्ट होता है उसमें से मिलता है। वो जो सोइल और जो भी सोइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बायोगैस एंड इम्पोर्टेंट फ्यूल कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम काउ।
डंग, यानी कि जो बायोगैस भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो भी काऊ के डंग में से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट डे इंसेक्ट आर ऑल्सो यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, वी गेट हनी एंड बी वैक्स फ्रॉम बीज। बहुत से इंसेक्ट होते हैं ठीक है, उनमें से भी हमें बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट मिलती है, जैसे कि बीज जो होती है उसमें से हमें हनी मिलता है। लेक इज ऑब्टेन फ्रॉम लेक इंसेक्ट, लेक इज यूज इन इंडिया एज अ स्किन कॉस्मेटिक एंड ऑल्सो एज अ डाई फ्रॉम वूल एंड सिल्क। ये जो लेक है उसका यूज़ हम लोग स्किन कॉस्मेटिक की जो प्रोडक्ट आती है उसमें करते हैं, और उसमें से जो डाई वूल और सिल्क को जो डाई करने के लिए हम लोग डाई बनाते हैं वो भी लेक में से बनती है। और ये जो लेक जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो भी एक LSE यानी कि लेक इंसेक्ट में से मिलती है। लेडी बर्ड बीटल्स हेल्प फार्मर्स बाय ईटिंग अ स्मॉल इंसेक्ट फाउंड इन अ फील्ड्स सच एज अ एफिड्स एंड दस प्रिवेंट डैमेज टू क्रॉप्स, यानी कि लेडी बर्ड जो बीटल्स होते हैं वो जैसे कि फार्मर्स उनको हेल्प करते हैं कि जो खेती में जो बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं जो हमारे पाक खेती के पाक को नुकसान करते हैं ठीक है, उन्हें वो ईट यानी कि खा जाते हैं ठीक है, जिससे क्या है कि बहुत सारी हम लोग प्रोडक्ट जो है पाक की हम लोग प्रोडक्ट बढ़ा सकें। नेक्स्ट है लोड कैरियर्स, यानी कि जो भी हम सामान जो होता है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग एनिमल्स हमें यूजफुल होते हैं। डोंकीज एलिफेंट्स बुल्स हॉर्सेस एंड कैमल्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल और टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि अगर कोई पीपल है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है ठीक है, और यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ है गुड्स थिंग्स है ठीक है, चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लोड कैरी करने के लिए एनिमल्स यूजफुल होते हैं। डोंकी है एलिफेंट है ठीक है, बुल्स हॉर्स कैमल्स ये सारे एनिमल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट में हमें यूजफुल होते हैं। कैमल्स आर यूज मोस्टली इन डेजर्ट टू ड्रो अ कार्ट, सो अ कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को हम लोग शीप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं ठीक है, बिकॉज वो जो हमें डेजर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूजफुल होते हैं। प्लफिंग ऑक्सन आर यूज टू प्लफ द फील्ड ठीक है, ऑक्सन जो है हम लोगों को ऑक्सन जो है हम लोग प्लफ कर फील्ड को प्लफ करने के लिए यूज करते हैं। पेट एनिमल्स, एनिमल्स सच एज द डॉग्स एंड कैट्स आर केप्ट एट होम एज अ पेट्स ओके, हम लोग एज अ पेट यानी कि पालतू जो हम लोग एनिमल्स बोलते हैं ठीक है, वो हम लोग एज अ पेट भी पेट एनिमल्स भी हमें यूजफुल होते हैं, जिसके हमारे घर की रखवाली करने के लिए। एनिमल्स सच एज डॉग्स एंड कैट्स आर केप्ट एट होम एज पेट, यानी कि डॉग और कैट ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम लोग घर पर रखते हैं। डॉग्स क्वाड अवर होम्स गार्ड, यानी कि हमारे जो घर की रखवाली करता है। डॉग्स आर इंटेलिजेंट एंड हैव अ स्किन सीन सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि उसे जो स्मेल होती है उसकी सेंस होती है वो बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हेल्प द पुलिस इन डिटेक्टिंग बॉम्ब्स एंड इन कैचिंग थाइव्स, यानी कि जो उसकी ये जो स्मेल की जो सेंस है वो हमारे जो आर्मी है पुलिस जो है उन्हें कहीं भी बॉम्ब है डिटेक्ट अगर कहीं भी बॉम्ब है या फिर कहीं भी थाइव्स यानी कि चोर है तो उसे कैच यानी कि पकड़ने के लिए हमें यूजफुल होता है। कैट चेज अवे द माइस इन द हाउसेस, हमारे अगर हाउस में कहीं भी माइस है तो उसे पकड़ने के लिए कैट यूजफुल होती है। सो हमने इस तरह के एनिमल्स के यूजेस देखे कि हमें एनिमल्स किस तरह से यूज होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट है पाउल्ट्री प्रोडक्ट है, हमें एनिमल में से वूल मिलता है, उनमें से हम लोग जो क्लोथ्स बनाते हैं, सिल्क वर्म में से हमें सिल्क मिलता है, और बहुत सारी हमने अदर प्रोडक्ट्स भी देखी, लेदर मिलता है ठीक है, और स्क्विरल्स या रैबिट ऐसे जो एनिमल्स हैं उनके हेयर से उनमें से हमें बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स मिलती है ठीक है, जिनमें से बहुत से जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर कोट कैप्स और सोल बनाई जाती है,
और एनिमल्स के जो हॉर्न्स होते हैं उनमें से ऑर्नामेंट्स, कॉम, स्नाइस, इस तरह की चीज़ें बनती है। एनिमल का जो डंग वेस्ट होता है उनमें से मैन्योर बनाया जाता है, बायोगैस मिलता है। और जो इंसेक्ट है जैसे कि बीज है उनमें से हनी मिलता है, सिल्क में से सिल्क वॉर्म मिलता है, लेग इंसेक्ट होते हैं उनमें से हमें लेग की प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। और बहुत सारे जो एनिमल जैसे कि इंसेक्ट हैं जो फार्मर को यूज़फुल होते हैं, वो जो बहुत सारे स्मॉल इंसेक्ट होते हैं वो उन्हें उनमें से ईट करते हैं जिससे हमारी खेती को नुकसान ना हो। और हमें एनिमल्स जो एलिफंट है, डोंकी है, हॉर्सेस है, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़फुल होते हैं। सो हमें बहुत तरीके से हमें एनिमल्स जो है यूज़ होते हैं। सो आगे के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।